हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटरवीज। मैं हूं अमन शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्सॉन ईवी के बारे में। और ये जो वेरिएंट हमारे सामने है, ये है नेक्सॉन ईवी मैक्स का टॉप वेरिएंट लक्स एक्सजेड प्लस लक्स। और इसमें आपको नया कलर इंट्रोड्यूस किया गया है टाटा की तरफ से, ब्लैक। तो डार्क के अगर आप लवर थे तो डार्क कलर जो है वो आपको इसमें अब अवेलेबल होने लगा है। इससे पहले ये सिर्फ तीन कलर ऑप्शन में आती थी, वाइट, ग्रे और ब्लू। इसके बाद ये चौथा कलर ऑप्शन ब्लैक भी आपको मैक्स के वेरिएंट में मिलने लगा है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ ये आपको प्राइम में मिलता था, नेक्सॉन ईवी प्राइम में। तो अब ये मैक्स में भी मिलेगा। कलर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा और भी फीचर्स अपडेट हुए हैं, उन सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। इसके प्राइस की बात करेंगे और क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं नेक्सॉन ईवी की। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लें इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में। सबसे पहले फ्रंट में बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो, क्रोम फिनिश में काफ़ी ब्रॉड है। और यहाँ पर आपको ग्रिल देखने को मिल जाती है पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ पर आपको ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में, जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है बाकी नेक्सॉन से। हेडलैम्प सेटअप का बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल सेटअप मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाते हैं हाई बीम, और यहाँ पर आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये आपको ट्राई एरो जो DRLs हैं वो देखने को मिल जाती हैं LED में, जो कि काफ़ी यूनिक सी रोड प्रेजेंस देती हैं नेक्सॉन को। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, अगेन हैलोजन में। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक ब्लू जो है उसकी इंसर्ट देखने को मिल जाती है दोनों ही तरफ और रियर में भी, जिसकी बात अभी हम करेंगे रियर में। और उसके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे सेकेंडरी ग्रिल में, तो यहाँ पर आपको ट्राई एरो टाइप में इलेक्ट्रिक ब्लू के इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये वाला जो कलर है ना, तो यही आपको ईवी को डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल नेक्सॉन से, क्योंकि इसके अलावा बाकी नेक्सॉन में और इस नेक्सॉन में कोई डिफरेंस देखने में तो लगता नहीं है, लेकिन ये वाला जो कलर आपको देखने को मिल रहा है ये इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी नेक्सॉन से। ऊपर की तरफ बात करूँ विंड स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, और वाइपर्स इसमें आपको ये वाले ब्लेड जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। और यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर की बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो है वो सेंसर्स दिया गया है। और इसका जो एक्सटीरियर का कलर है वो है मिडनाइट ब्लैक कलर आपको इसके एक्सटीरियर में देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले बात करें इसके अलॉय व्हील्स की, तो इसमें आपको चारकोल ब्लैक कलर के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं इस तरह के। और बात करूं इसकी टायर प्रोफाइल की, तो आपको इसमें 215/60R16 का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है इस गाड़ी के हिसाब से। और यहाँ पर आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, जिसको एक एसयूवी लुक देती है। यहाँ पर आपको डार्क का मैक्सकॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि डिफरेंशिएट करता है इसको। और यहाँ पर ईवी की बैजिंग भी आपको ड्राइवर्स डोर पर देखने को मिल जाएगी, जो कि बाकी गाड़ियों से इसको डिफरेंशिएट करती है। ORVM की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल हैं। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ह्यूमिडिटी सैटिन ब्लैक लाइन जो है वो देखने को मिल जाती है यहाँ पर कुछ इस तरह से। बी पिलर जो है वो ब्लैकआउट देखने को मिल जाएगा। डोर हैंडल्स पे कोई भी क्रोम का यूज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर आपको सैटिन ब्लैक कलर की रूफ रेस देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की। और एक चीज़ और नई है जो अभी रिसेंटली आना शुरू हुई है, तो यहाँ पर आप एक बैजिंग देख रहे होंगे। ये जो बैजिंग है, तो यहाँ पर आपको सेलिब्रेटिंग 50 लाख कार्स जो टाटा ने सेल की है, तो उसकी एक बैजिंग जो है वो नॉर्मली अब कार्स पे टाटा दे रही है। तो ये देखते हैं कब तक आती है। फिलहाल जो अब लॉट आ रहा है तो उसमें आपको ये वाली बैजिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि यह है नेक्सॉन डार्क, इसमें आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर दूसरी नेक्सॉन एक खड़ी हुई है पेट्रोल, तो उसमें भी यहाँ पर ये बैजिंग जो है वो दी गई है। तो कुछ इस तरह की बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये तो थी इसकी साइड प्रोफाइल। अब बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना देखने को कुछ इस तरह का, ब्लैक कलर में, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पा रहा है और आगे रोशनी की वजह से भी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर वोकल फॉर लोकल का जो स्टिकर है वो यहाँ पर टाटा की सभी गाड़ियों में प्लेस किया जाता है। उसके अलावा रियर डिफॉगर, वाइपर, और उसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पर टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। अगेन ईवी की बैजिंग कुछ इस तरह की। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक का इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो रियर कैमरा है उसकी प्लेसिंग की गई है, और ये कुछ अलग है क्योंकि इसमें आपको मिलता है HD कैमरा, तो हाई डेफिनेशन कैमरे का यूज़ जो है वो इसमें किया गया है। अब इससे पहले नहीं आता था हाई डेफिनेशन। यहाँ पर ज़िप्रॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ज़िप्रॉन के बारे में जिसको नहीं पता है, तो ज़िप्रॉन टाटा की एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है। ज़िप्रॉन पर इसकी सभी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो बेस्ड हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्सॉन जो है वो आपको नहीं दिख पा रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि वो भी आपको यहाँ पर सैटिन ब्लैक कलर में देखने को मिलता है कुछ इस तरह से लिखा हुआ। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, जिसको प्रेस करके आप गाड़ी को जो बूट है उसको ओपन कर सकते हैं। टेल लैंप्स की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन आपको ट्राई एरो टाइप में DRLs देखने को मिल जाती हैं। इंडिकेटर्स और रिवर्स इंडिकेटर जो है वो आपको हैलोजन में अगेन देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ब्लू है उसका इंसर्ट जो है वो यहाँ दिया गया है।
और यहाँ पर स्किल प्लेट की बात करूँ रियर, ये भी आपको सैटिन ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी लाइन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। रियर सेंसर्स की बात करूँ तो इसमें आपको दो रियर रिवर्स सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो थी इसकी रियर प्रोफाइल, एक बार इसके बूट को भी चेक कर लेते हैं। इसके बूट को ओपन करते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ स्पेस की बात करूँ तो इसमें बूट में आपको मिल जाता है 350 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ईवी में नहीं किया गया है। यहाँ पर पार्शियल शेल्स देखने को मिल जाती है, काफ़ी ब्रॉड है। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो जो चीज़ें रखी गई हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है बूट लैंप, और यहाँ पर आपको एक हुक देखने को मिल जाएगा जिसमें आप कुछ भी हैंग कर सकते हो दोनों ही साइड पर। बट यहाँ पर आपको दो देखने को मिलते हैं और यहाँ भी आपको दो देखने को मिलते हैं। और उसके बाद बात करूं तो यहां पर आपको मिल जाती है पंक्चर रिपेयर किट, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और टाटा अपनी सभी गाड़ियों में आपको पंक्चर रिपेयर किट देता है। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं फिर से अलग से बनाऊंगा कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको रख देते हैं वापस। और इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर ये आप बॉक्स जो देख रहे हैं, ये है इसका एक MCB बॉक्स, जो कि आपको टाटा की EV कार्स में देखने को मिलता है नॉर्मली, जिसमें आप 3.3 kW का चार्जर जो है वो लेते हैं तब, क्योंकि 7.2 इसमें दो ऑप्शन आते हैं, 3.3 kW और 7.2 kW। 7.2 kW में आपको एक अलग से प्रीमियम चार्जर मिलता है, नॉर्मल में आपको ये MCB बॉक्स मिलता है, जिसको टाटा पावर की टीम आपके घर पर आकर इंस्टॉल करके जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का है, तो इसमें आपको मिल जाता है एक पोर्टेबल चार्जर, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एक बार इसको कर लेते हैं ओपन, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। येलो कलर का वायर है, ये अडेप्टर है, और यहाँ पर आपको 15 एम्पीयर का प्लग दिया गया है। तो अभी ये फिलहाल पैक है। ये कुछ इस तरह की गन दी जाती है, जिसको आप घर पे चार्ज कर सकते हो, घर पे यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली ये हमेशा गाड़ी में रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको स्टेपनी भी देखने को मिल जाती है, स्पेयर व्हील, जो कि यहाँ पर प्लेस किया गया है। और इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें आपको 215/16 सेम प्रोफाइल का टायर साइज जो है वो भी देखने को मिलता है। तो चलिए इसके बूट को करते हैं क्लोज, चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं क्या कुछ अपडेट इंटीरियर में दिया गया है। तो इंटीरियर में जाने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी चाबी की। तो कुछ इस तरह की चाबी जो है वो आपको नेक्सॉन में देखने को मिलती है, मतलब टाटा की सभी कार्स में देखने को मिलती है, मोस्टली हाई एंड वेरिएंट जो होते हैं वो। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की प्रीमियम की देखने को मिलती है, पीछे टाटा का लोगो, कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। बटन की बात करें तो लॉक अनलॉक हेडलाइट और टेल गेट रिलीज का बटन जो है वो देखने को मिलता है। तो दोनों ही स्मार्ट की हैं टॉप एंड वेरिएंट में। तो फिलहाल गाड़ी को करते हैं अनलॉक। अब इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको देखने को मिलता है इसमें। ऑल ब्लैक इंटीरियर ऑफर किया जाता है नेक्सॉन ईवी मैक्स के डार्क वेरिएंट में। बात कर लेते हैं ड्राइवर डोर पैनल की, तो यहाँ पर आपको जो पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इनसाइड क्रोम डोर हैंडल जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लेदर का सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर आपको ट्राई एरो का जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाता है। परफोरेटेड टाइप का ये दिया गया है। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा, 1 लीटर की बॉटल आप कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिल जाता है दोनों ही डोर्स पे। और स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ पर की गई है, ट्विटर की प्लेसिंग यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वार्वियम से जुड़े हुए कंट्रोल जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर सीट की बात करूँ तो ये आपको मैनुअली हाइट एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। और फ्रंट में जो सीट्स हैं वो आपको वेंटिलेटेड देखने को मिलती हैं, तो उसका जो बटन है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। और इसमें आपको लो हाई और मीडियम 3 स्पीड देखने को मिल जाती है फैन की। तो चलिए बैठते हैं एक बार सीट पर। और इंटीरियर की बात करें तो सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा इंटीरियर में वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो इसमें आपको 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि हाई डेफिनेशन में है। देखते हैं तो गाड़ी को एक बार ऑन करके देखते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको जो इसका ओवरव्यू है वो देखने को मिलता है। 3 स्लाइड्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें FM, AC कंट्रोल्स और यहाँ पर जो आपने डिवाइस वगैरह पेयर किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ कुछ फैन स्पीड, वॉल्यूम, अलार्म, कुछ इस तरह की जो नोटिफिकेशंस हैं, ऑल जो एप्लीकेशन हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरह से। और इसका जो टच है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और इसके अलावा इसमें एक और बड़ा अपडेट है, इसमें आपको जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है वो वायरलेस देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत सही चीज़ है। जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये अपडेट किया जा रहा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फुली डिजिटल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर जो है वो आपको एनालॉग देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगेन आपको जो इलेक्ट्रिक ब्लू का इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो परसेंटेज दिखाता है, बैटरी कितनी परसेंट चार्ज है, कितना किलोमीटर चलेगी, कौन सा मोड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो करता है। उसके बाद बात करें स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेदर अप स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक ब्लू की जो स्टिचिंग है वो की गई है कुछ इस तरह से। लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर पियानो ब्लैक का इंसर्ट जो है वो दिया गया है।
और इसके बाद एडजस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक अभी ऑफर नहीं किया जाता है नेक्सॉन में। यहाँ पर आपको वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, हालांकि रेन सेंसिंग वाइपर ऑफर किया जाता है इसमें। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंड बाय पे यहाँ पर टाटा का लोगो इस तरह से दिखने लगता है। और यहाँ पर राइट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें ऑटो हेडलैम्प ऑफर किए जाते हैं, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एसी वेंट्स दिए गए हैं। और सेंटर कंसोल की अगेन बात करूँ तो नीचे की तरफ एसी वेंट्स दिए गए हैं, जिसमें अगेन इलेक्ट्रिक ब्लू का इंसर्ट दिया गया है। नेक्सॉन की जो बैजिंग है वो यहाँ पर दी गई है क्रोम फिनिश में। नीचे की तरफ एसी से जुड़े हुए कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है। कुछ बटन्स हैं जैसे कि रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन वगैरह। और कुछ कंट्रोल्स हैं जैसे कि सेफ्टी की बात करूं तो आपको इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल दोनों ही मिल जाते हैं। फॉग लैंप का बटन यहाँ दिया गया है लॉक अनलॉक के लिए, टेल गेट रिलीज करने के लिए। अगर इसमें बात करूं तो जब आप गाड़ी को चार्ज करते हो तो जो गन है इसकी लॉक हो जाती है। अब जब आप उसको चार्जिंग से निकालते हो, अनप्लग करते हो, तो यहाँ से इसको प्रेस करने के बाद जो गन है वो रिलीज़ होती है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 12B का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। और जो सबसे अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो यहाँ पर है 12 नॉब, तो इसमें ये आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलता है। जिस तरह से आप इसको घुमाओगे, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव, तो ये यहीं पर दिखता है और काफ़ी मतलब देखने में प्रीमियम लगता है। ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले भी दी गई है, तो ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है। यहाँ पर आपको इको और स्पोर्ट्स और सीडी तीन मोड्स मिल जाते हैं। सीडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, इको और जो स्पोर्ट्स है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कुछ इस तरह से। ये हो गया स्पोर्ट्स मोड, ये हो गया इको मोड और ये बाय डिफ़ॉल्ट सीडी मोड। यहाँ पर आपको रीजनरेशन से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया जाता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। आर्मरेस्ट की बात करूँ तो ये भी आपको लेदर देखने को मिलता है और इसमें आपको थोड़ा सा स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। और ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ग्लव बॉक्स में आपको इल्यूमिनेशन भी देखने को मिलता है, पार्टीशन देखने को मिलता है, तो जो काफ़ी सही चीज़ है। और कुछ इस तरह से पार्टीशन दिए गए हैं। इसके अलावा आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाएगा। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर देखने को मिलता है, सिंपल सा को ड्राइवर सीट पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, लेकिन इल्यूमिनेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको केबिन लैंप देखने को मिल जाएगा, LED में है। और यहाँ पर आपको जो सनरूफ है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पीकर, जो माइक दिया गया है वो देखने को मिल जाएगा। सनरूफ ओपन करूँ तो ये तो हो गया इसकी फ्रंट सीट की बात। चलते हैं इसके रियर सीट पर, वहाँ पर भी देखते हैं क्या क्या ऑफर किया गया है। और एक बार जो ड्राइवर सीट है वो मैं अपनी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से सेट कर लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं इसके रियर सीट पर। तो रियर सीट का, रियर डोर की बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सेडिन ब्लैक देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर सॉफ्ट टच लेदर जो है वो उसका यूज़ किया गया है, परफोरेटेड टाइप में। और रियर सीट पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रियर एसी वेंट, जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश का जो इंसर्ट है वो दिया गया है। दोनों ही तरफ ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो देखने वाली नहीं है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। यहाँ आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है रियर सीट में, जिसमें दो कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। तो पीछे की सीट से जो आगे का डैशबोर्ड का लुक है कुछ इस तरह का दिखाई देता है डार्क एडिशन में। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। इसमें आपको 105 किलोवाट की पावर जनरेट करने वाली मोटर देखने को मिल जाती है और जो 250 NM का टॉर्क जनरेट करके देती है, तो इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। और यहाँ पर ये जो कवर दिया गया है इसके ऊपर EV जिप्ट्रॉन की बैजिंग दी गई है, जो कि मैंने आपको बताया था जो जिप्ट्रॉन है वो टाटा की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, जिस पर इसकी सभी EV बेस्ड हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको डुअल एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, ABS/ABD विद कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और आपको इसमें ब्रेक असिस्ट विद IV बैग देखने को मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल एसेंट कंट्रोल, और काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ग्लोबल एनकैप में 5-स्टार रेटेड कार तो नेक्सॉन है ही। तो चार्जिंग पोर्ट जो है वो इस तरह से दिया गया है, इसमें दो आपको देखने को मिलते हैं। ये AC चार्जर जब आप घर से चार्ज करते हो, जब आप DC चार्जिंग करते हो, तो ये पूरा जो पोर्ट है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है। ये CCS2 पोर्ट है, जो कि आपको सभी EV कार्स में देखने को मिलता है। और इसमें नेक्सॉन EV Max में आपको टोटल 4 चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। 15 MP के प्लग में भी आप इसको चार्ज कर सकते हो और इसमें 3.3 किलोवाट का चार्जर देखने को मिल जाता है। 7.2 किलोवाट का चार्जिंग ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है, जो कि 50,000 कॉस्टली होता है नॉर्मल चार्जर से। और इसके अलावा आप DC फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हो। तो टोटल 4 का चार्जिंग ऑप्शंस हैं, काफ़ी कन्वीनियंट है चलाने में और कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब चलाने में। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको एक शोरूम नॉर्मल 3.3 किलोवाट चार्जर के साथ 19,04,000 रुपये की पड़ती है, और अगर आप फास्ट चार्जिंग के साथ जाते हो तो इसमें आपको 19,54,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको EV में दे रही है गवर्नमेंट्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स
तो काफ़ी बेनिफिशियल है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।